तो दोस्तों, आशा करता हूँ कि आप सभी लोग बहुत बढ़िया होंगे। तो एक बार मैं फिर से स्वागत करता हूँ आप सभी लोगों का आपका अपने YouTube चैनल गुरुवर जी के में। जी हाँ दोस्तों, तो आज हम फिर से लेकर आए हैं आज एक नई वैकेंसी की जानकारी, जो कि HSSC यानी कि CET 2022 के संदर्भ में है। यानी कि हरियाणा स्टाफ सेलेक्शन कमीशन ने CET 2022 का फॉर्म निकाल दिया है। सबसे पहले हम ये समझने का प्रयास करते हैं कि यह CET है क्या। तो देखिए, ये जो CET है, इसका जो पूरा नाम है वह कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट है। यदि हम बात करें, इसे और गहराई से समझने का प्रयास करें, तो आपने देखा होगा कि UP SSSC यानी कि उत्तर प्रदेश के एक भर्ती चयन बोर्ड, जो कि UP SSSC है, उसने अभी कुछ महीने पहले PET का एग्ज़ाम कराया था, यानी कि प्रारंभिक पात्रता परीक्षा कराया था। और वो किस लिए कराया था? वो मुख्य रूप से जो ग्रुप सी में पोस्टें निकलती हैं उन सभी को भरने के लिए एक तरह का प्रारंभिक परीक्षा था। उसमें हुआ ये था कि उसका एक ही प्रारंभिक, जैसे पहले बहुत सारे पोस्ट निकाले जाते थे, तो उनका सबका पहले प्री कराना पड़ता था, फिर मेंस कराना पड़ता था, हर एक अलग अलग एग्ज़ाम का। लेकिन इन्होंने सभी एग्ज़ाम्स को, यानी कि सबका जो प्री का एग्ज़ाम है, सभी को एक में शामिल कर दिया, जिसे हम लोग PET के नाम से जानने लगे। तो वही स्थिति यहाँ पे हरियाणा के संदर्भ में भी है। हरियाणा का जो अपना बोर्ड है, यानी कि जो सिलेक्शन बोर्ड है HSSC, इसने CET कंडक्ट कराने का फैसला लिया है, जिसका नाम है कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट। यह मुख्य रूप से हरियाणा में निकलने वाली ग्रुप सी की जितनी भी पोस्टें हैं उन्हें भरने का कार्य करेगा। असल में यह प्रारंभिक परीक्षा होगा। प्रारंभिक परीक्षा पास करने के बाद आपका जो भी कट ऑफ आएगा, वह अलग अलग वैकेंसियों के लिए अलग अलग कट ऑफ जारी किया जाएगा, और उसी हिसाब से आप मेंस के एग्ज़ाम में, यानी कि जो भी वैकेंसियाँ निकलेंगी ग्रुप सी के, उसके मेंस के एग्ज़ाम में आप बैठ पाएंगे। तो उसी के संदर्भ में आज हम जानकारी देना चाहते हैं। तो आइए देखते हैं कि इसमें क्या क्या मांगा है, क्या क्या एलिजिबिलिटी है इसकी। तो यहाँ पर देखिए, जो ये ग्रुप सी की वैकेंसी जो आने वाली है, वह लगभग 26,000 आने वाली है। जी हाँ दोस्तों, ग्रुप सी की जो वैकेंसी आने वाली है, इसमें 26,000 सीटों पर इसकी भर्ती निकलने वाली है। और इसका जो एप्लीकेशन बिगिन, यानी कि एप्लीकेशन प्रारंभ होने का जो डेट है, यानी कि CET के रजिस्ट्रेशन का जो डेट है, वो यहाँ पे बताया गया है 17 जून 2022। जी हाँ दोस्तों, 17 जून से यह फॉर्म भरा जाना प्रारंभ हो चुका है। यदि हम लास्ट डेट की बात करें, तो जो लास्ट डेट है वह 8 जुलाई 2022 है। जी हाँ दोस्तों, यानी कि अगले महीने तक 8 तारीख तक आप इसके फॉर्म को भर सकते हैं, यानी कि CET के फॉर्म को आप भर सकते हैं। यदि हम फीस पेमेंट की बात करें, तो फीस पेमेंट के लिए आपको कुछ और दिन अतिरिक्त मिल जाते हैं। फीस पेमेंट का जो लास्ट डेट है वह 13 जुलाई 2022 है। 13 जुलाई तक आप फीस जमा कर सकते हैं, और फॉर्म भरने का जो लास्ट डेट है वह 8 जुलाई 2022 है। यदि हम बात करें फीस की, कि कितनी फीस लगनी है आप लोग की रजिस्ट्रेशन की, तो यहाँ पे देखिए, जो जनरल हो गया, EWS हो गया, या फिर अदर स्टेट के जो अभ्यर्थी होंगे, उन्हें 500 रुपये अदा करना होगा। यहाँ पे सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस फॉर्म को केवल हरियाणा के ही अभ्यर्थी नहीं भर पाएंगे, बल्कि ऐसे अभ्यर्थी भी भर सकते हैं जो अन्य प्रदेशों से संबंध रखते हैं, जैसे कि उत्तर प्रदेश हो गया, मध्य प्रदेश, या किसी भी राज्य के यदि वो हैं, तो वो भी इस फॉर्म को भर सकते हैं, बशर्ते उनका जो कोई भी कैटेगरी हो, यानी कि अपने प्रदेश में वह किसी भी जाति वर्ग से संबंध रखते हों। यदि आप वो हरियाणा के फॉर्म भरते हैं, तो आप जनरल में ही काउंट किए जाएंगे। यदि हम हरियाणा के रिजर्व कैटेगरी की बात करें, तो इनसे 250 रुपये लिया जाना है। अब चलिए बात कर लेते हैं एज लिमिट की। तो इसका जो, आप एक तरह से कहा जा सकता है कि इसका जो अभी नोटिस जारी किया गया है, नोटिफिकेशन जो आया है, उसमें एज के बारे में कोई बात नहीं की गई है, लेकिन आप ये मान के चलिए कि इसका जो एज लिमिट होगा वह 8/7/2022 से इसकी गणना की जाएगी, और इसमें जो एज होगा वह 18 से 42 साल तक होगा। यानी कि यदि आप 18 से 42 साल के बीच में हैं, तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। असल में चूंकि यह प्रारंभिक परीक्षा है, और यह परीक्षा विभिन्न पदों के लिए है, और आप जानते हैं कि जो विभिन्न पद होते हैं, उनमें जो एज क्राइटेरिया होता है वो भी अलग अलग होता है। तो विभिन्न प्रकार के बच्चे जो होंगे, वह अलग अलग वैकेंसी के लिए फॉर्म डालेंगे, तो उसमें जो अलग अलग वैकेंसी के लिए अलग अलग जो एज आएगा, तो उन सभी एजों को इसमें शामिल कर लिया जाएगा।
अब हो सकता है कि किसी एज जो हो सकता है कि कुछ ऐसी पोस्टें हों जिसमें 30 के बाद फॉर्म नहीं भर सकते हैं आप लोग, तो उसमें केवल वही अभ्यर्थी फॉर्म भर पाएंगे जिसकी जो एज होगी वह 18 से 30 साल के बीच होगी। लेकिन कुछ ऐसे भी पोस्ट होंगे जो हो सकता है कि 30 के ऊपर वाले भी भर पाएँ, 42 साल तक के अभ्यर्थी भर पाएँ, तो उनके लिए यह जो पोस्टें हैं वो भी बड़े आराम से भर सकते हैं। इसलिए इसमें जो एज होगा वह 18 से 42 साल तक मांगा गया है। यदि हम एजुकेशन एलिजिबिलिटी की बात करें या फिर हम एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें, तो इसमें देख लीजिए यहाँ पे 10th किया हो या फिर 12th किया हो या फिर कोई डिग्री हो उसके पास या फिर डिप्लोमा हो, यानी कि किसी भी प्रकार की यदि उसने पढ़ाई किया है तो वो भी इस फॉर्म को भर सकता है। तो जैसा कि मैंने बताया कि विभिन्न पदों के लिए विभिन्न प्रकार की एज लिमिट्स होती हैं, उसी प्रकार से विभिन्न पदों के लिए विभिन्न एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यानी कि एजुकेशन क्वालिफिकेशन भी अलग अलग मांगा जाता है। कुछ ऐसे पदे होते हैं जिसमें केवल हाई स्कूल मांगा जाता है, कुछ ऐसे होते हैं जिसमें कुछ विशेष डिप्लोमा मांगी जाती है, फिर कुछ ऐसे होते हैं जिसमें केवल 12th के बेस पे ही उनका अप्लीकेशन भरा जा सकता है। तो इसलिए कोई भी अभ्यर्थी इस फॉर्म को भर सकता है जिसके पास 10th हो गया, 12th हो गया, डिग्री या फिर डिप्लोमा है। यदि हम CET की वैलिडिटी की बात करें, यानी कि जो CET है यानी कि कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट है, उसकी जो वैलिडिटी है वह 3 साल की होगी। जी हाँ दोस्तों, यदि आप एक बार इस फॉर्म को भर देते हैं और पेपर देते हैं तो उसकी जो वैलिडिटी होगी वह 3 साल तक कार्य करेगी। 3 साल तक आप मेंस के एग्ज़ाम के फॉर्म भर सकते हैं, बशर्ते कि आपका नंबर बेहतर आया हो। यदि आप नंबर में सुधार करना चाहते हैं तो अगले साल जो वैकेंसी निकलेगी या फिर अगले साल जो CET का परीक्षा होगा उसमें आप सम्मिलित हो सकते हैं, एक नए सिरे से सम्मिलित हो सकते हैं। और यदि उसमें आपका अंक सुधारा जाता है तो उसी अंक का गणना किया जाएगा आपका मेंस के एग्ज़ाम के लिए। चलिए अब बात कर लेते हैं एग्ज़ाम डेट की, यानी कि जो CET का जो एग्ज़ाम डेट होगा वह अगस्त 2022 में निर्धारित किया गया है। अभी इसका कोई निश्चित डेट नहीं आया है, लेकिन ऐसा अनुमान लगाया जा सकता है यानी कि इसका जो कैलेंडर जारी किया गया है उसके अनुसार इसका जो पेपर है वह अगस्त महीने में यानी कि अगस्त 2022 में कराया जा सकता है। तो ये वैकेंसी के बारे में यही जानकारी देनी थी, और आप लोग भी भर सकते हैं, किसी भी प्रदेश के आप हैं आप इस फॉर्म को भर सकते हैं, क्योंकि अच्छी खासी वैकेंसी आने वाली है। वैकेंसियों की संख्या लगभग 26,000 मैंने बताया है, और यह सबसे बड़ी बात है कि इसमें जो पदों की संख्या है वो भी कम नहीं है, वो भी लगभग 450 के आसपास इसमें पद आएंगे, अलग अलग पोस्ट निकाले जाएंगे जिसमें जो सीटें होंगी वह अलग अलग निर्धारित की जाएंगी। तो दोस्तों यही जानकारी देनी थी, आशा करता हूँ कि आपको जानकारी समझ में आ गई होगी और वीडियो अच्छा भी लगा होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कर दीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि जब हम नई वीडियो लेकर आएँ तो उसकी जानकारी आपको हो सके। दोस्तों हम इसके संदर्भ में इसका जो सिलेबस जारी किया गया है उसका हम हिंदी में विश्लेषण करेंगे, सभी चीज़ें हम बताएंगे कि कौन कौन सी परीक्षाएं आपकी होंगी यानी कि कौन कौन से सब्जेक्ट की आपकी परीक्षाएं होंगी और उसका सिलेबस क्या है, इसके बारे में जानकारी हम अगले वीडियो में देंगे। तो हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।